यू। इससे पहले कि मैं आप सबको खाना परोसूं, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। Very good. तो हम सब मिलके खेलते हैं खाता पीता डम शराल। हाँ, इसमें फिल्मों की जगह खाने पीने के आइटम का नाम देते हैं। सिंपल। हाँ, जैसे कि प्रीतेश ने मुझे दिया पानी पूरी, तो ये तो कितना सिंपल है मैन। अगर पानी पूरी दिया तो अपना वो बाब, वो वैसे वो बाब। अरे एक मिनट मैन, वो नौ नंबर वाला बंगाली अपने कचरे वाले को क्या बोलता है? भाई भी आपका सवाल कितने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब द फ्लो, बोलो नौ नंबर वाला बंगाली अपने कचरे वाले को क्या बोलता है? ओके ओके, ए कचरा वाला, इशारा कचरा साफ कर दो, इशारा कचरा हटा दो। हाँ हाँ, अगर वो मुझे पानी पूरी देगा तो मैं ऐसा ए इशारा करेगा तो पता चल जाएगा ना कि वो पानी पूरी था। ओहो हाँ, लेकिन ऐसे डायरेक्ट इशारा नहीं करना है रॉनी अंकल। हाँ, जैसे पानी पूरी दिया और पानी का इशारा करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, और अगर पूरी का इशारा करना हो तो हम लोग नहाने के लिए सर पे पानी का डब्बा डाल दिए ना। वेरी स्मार्ट है बात। अरे वो लंबे घुटाले, पूरी का इशारा ऐसे कैसे? हाँ वो भद्रेश भैया, हमारे नहाने का डब्बा खो गया था तो हमने पूरी इस्तेमाल की थी। पानी वो क्या है, डिब्बे में भी पानी भरते हैं और पूरी में भी पानी भरते हैं। तो हेमंत को ऐसा लगा कि चलता है थोड़ा बहुत, इसलिए। हे भगवान, जल्दी जल्दी खेल शुरू करो, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, आप सब खेलना शुरू कीजिए, तब तक मैं नूडल्स में से नमक निकाल के आती हूँ। चकुड़ी, नमक डाल के आती हूँ ऐसा बोल? नहीं नहीं बा, जो नूडल्स मैंने बनाए हैं उसमें से नमक निकालना पड़ेगा। है? हाँ बा, वो नूडल्स की रेसिपी में लिखा था कि दो बड़े चम्मच नमक डालो, लेकिन वो रेसिपी की बुक वाले आपकी तरह क्लियर करना भूल गए थे कि कितने बड़े चम्मच। तो मैंने ये चम्मच भर के डाले बा। मर गए। लेकिन अब तुम नमक निकालोगी कैसे भैरवी? एक एक नूडल को धोंगी ना, है ना, अलग अलग करके। और मर गए। आधे पौने घंटे में सारा नमक कम हो जाएगा, फिर ऊपर से थोड़ा सा दही डाल दूंगी। चाइनीज नूडल्स में दही? हाँ वाला, मेरी भैरू ने दही नूडल्स बनाए होंगे, दही वड़ा की तरह। नहीं नहीं, बा ने एक बार बोला था कि चकुड़ी, दम आलू की ग्रेवी में नमक ज्यादा हो गया है, तो आधा किलो दही डाल दे ऊपर से, नमक कम हो जाएगा बेटा। आप सब लोग खेलिए, मैं भैरवी का हाथ बटा के आती हूँ। ये जाएगी? चलो भैरवी। तो ठीक है, इनकी टीम में मैं चली जाती हूँ, वरना ये लोग घूम जाओ करके उस तरफ ही उल्टे होके खाता पीता डम शराब खेलेंगे। हाँ चलो खेलते हैं। हाँ, रोनी को शब्द मिला है बा। टमाटो थप्पा। खाने की आइटम दो शब्द वाली। हाँ। अच्छा दूसरा शब्द? हाँ। क्रिकेट से जुड़ी है। बैटिंग। युवराज सिंह। युवराज सिंह? हाँ, खाने के आइटम ना सिंह, सरगमणि सिंह, सिंह दाना, युवराज सिंह। नहीं क्या, तू भी नहीं। विराट कोहली। मोहम्मद शमी। एक मिनट वाले, क्या विराट कोहली? चल विराट कोहली होता भी तो उसमें खाने की आइटम कौन सी है? हाँ। अरे कोहली, कोहली फिश, कोहली वड़ा। और मोहम्मद शमी होता तो शमी कबाब। ओहो अच्छा वैसे। हाँ ओहो, ये तो इजी है। बद्रू वेंकटेश प्रसाद बाबा,
वेंकटेश प्रसाद। हाँ माँ, प्रसाद भी ऐसे खाने की आइटम ही है ना। मैं देंगा तेरे को आके प्रसाद। शांति रखने भाई। टमेटो का इशारा कैसे करेगा मैन टमेटो उत्तप्पा में? ये लोग को तो उत्तप्पा समझ में नहीं आता है बैट्समैन का नाम। ठीक है, मैं टमेटो का इशारा करता है, मतलब मैं कोशिश करता है। हाँ हाँ हाँ, पहला शब्द इशारा तो कीजिए। पिक्चर चल रही है? नहीं नहीं नहीं, नाटक, नाटक चल रहा है। नाटक है। हाँ बराबर बराबर, नाटक नाटक चल रहा है। हाँ अभी समझ गया, नाटक के ऑडिटोरियम में से चारों बाजू से ऐसे गंदी बदबू आ रही है ना? नहीं। अरे भाई तू शांति रखने। रोनी ये नाटक खराब है, ये कहना चाहता है तू? हाँ, देखा। मतलब नाटक खराब है और लोग अंडे टमाटर मार रहे हैं। अंडा 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 टमाटर टमाटर, यानी पहला शब्द टमाटर है। अच्छा हाँ। सेकंड बैटिंग रॉबिन उत्तपा, यानी खाने का आइटम है टमेटो उत्तपा। सच्चा जवाब दिया ना। बाप रे, हमारे लिए इतना मुश्किल था तो घोटालों के लिए तो सुबह हो जाएगी। कहा बाबा? हाँ बा बेटा, लंबे घोटाले तू आ, अब तेरी बारी। भद्रेश भैया मैं आती हूँ, मैं इशारा करूंगी। नहीं मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है तुम जाओ। वैसे एक बात तो है, ये गेम में मजा बड़ा आ रहा है। हाँ दादी, मम्मी के बनाए हुए गेम में इतना मजा आ रहा है तो खाने में तो चार चांद लगा देगी मेरी मम्मी। हाँ देखते देखते। हाँ तो देखना। ये आपका चाइनीज खाना। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। मर गए, इसका इशारा तो ये 7 जन्म तक नहीं कर पाएगा। हाँ बाबा। हाँ बा। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए दादी। चुपचाप देखिए। हाँ बे पप्पूरी। ये दो शब्द खाने के आइटम में। रॉनी भैया, रॉनी भैया कैसे बोलते हैं? रॉनी भैया हिंदी कैसे बोलते हैं? टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। टूटी फूटी आइसक्रीम। देखा दादी, खामोखा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही थी। हाँ दादी, जैसे हेमंत भैया ने जज से इशारा कर दिखाया ना, वैसे चाइनीज खाना भी देख लो मेरी मम्मी का। हाँ हाँ। वाकई में बहुत ही, आप लोग भी टेस्ट कीजिए ना। आइए
प्रतिभा रानी ने बनाया। वही तो, होश उड़ गई ना खाना खाके। हाँ बेटा। वैसे अंकल ओझा आप थे कहाँ? पार्टी में नहीं आए, फ्री का खाना छोड़ दिया आपने। वो श्याम सुंदर की सास गुजर गई थी ना 12 दिन पहले, तो आप आज गए? अब इतने लेट पहुंचे अंतिम यात्रा में, सब तो कब के चले गए होंगे ना। शरद तुम्हें क्या लगता है अंकल ओझा शमशान गए थे? वही तो मैं मानव, ओवर टू यू। अरे शरद आज 13वां था। हाँ वही तो, ये 13 दिन बाद पहुंचे। अरे झालर, सबके लिए लड्डू और आमरस पुरी का भोजन रखा था श्याम सुंदर ने। एक मिनट, श्याम सुंदर अंकल की सासू माँ गुजर गई तो उन्होंने पार्टी रखी? इतनी बुरी थी क्या उनकी सासू माँ? आई डोंट बिलीव दिस। मानव ओवर टू यू। शरद पार्टी नहीं, आज 13वां दिन था तो ब्राह्मण को खाना खिलवाया उन्होंने। कौन ब्राह्मण? देखो वो ट्यूशन बाद में, पहले हमारी बात सुनो। अगर गुजराती बहुरानी ने ये चाइनीज बनाया है तो भावना भाभी की गुलामी पक्की। मारे को तो साफ साफ दिख रहा है। जी काका मुरली। गुजराती बहुरानी, थारी गुलाम सास को तो देख, मारे घर का कचरा तो साफ ही नहीं किया इसने। मारे को थारी गुलाम सास पर हुकुम चलाने का मौका दे। हाँ हाँ क्यों नहीं। बा जी चकुड़ी मैडम, आप काका मुरली के हुकुम का पालन करेंगी? जो आपकी आज्ञा। अरे वाह, यहाँ यहाँ झाड़ू मारो। जी मुरली भाई। और हाँ, साथ में ये भी बोलो कि मारा राजस्थान थारे गुजरात से बेहतर है, बोलो। और साथ में ये भी बोलो कि गरबा गुजराती लोगों ने मारे राजस्थान के घूमर से चुराया है, बोलो। और ये भी बोलो कि मारे जयपुर की बांधनी बेस्ट और थारे जामनगर की बांधनी कचरा है कचरा, बोलो। बोलो मुरली भाई, नहीं मत कीजिए। आप कहेंगे तो मैं पूरी दुनिया का कचरा साफ कर दूंगी। दुनिया का मतलब पूरे देश का? देश का अच्छा, ना आपका ना मेरा, पूरी कॉलोनी का, कॉलोनी का कचरा तो साफ कर ही दूंगी। बा गुलाम गुलाम होता है, उसे बार्गेनिंग करने का अधिकार नहीं होता। आपको बोलना पड़ेगा बा। हाँ हाँ भावना भाभी बोलो। राजस्थान गुजरात से हर बात में बेहतर है। वेरी गुड शेख चिल्ली पापा। ओ शेख चिल्ली पापा वापस आइए, ये ख्याली पुलाव बाद में पकाना, फिलहाल हम दूसरा बड़ा काम क्या दे सकते हैं भैरवी दीदी को ये सोचना होगा। अरे मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि गुजराती बहुरानी ने ये चाइनीज खाना बनाया कैसे, क्योंकि ऐसा चाइनीज बनाना उसके बस में नहीं है। नहीं नहीं वो बस में नहीं गई थी। शरद चुप। वैसे बात तो सही है, जरूर किसी ने मदद की है भैरवी की। सोच रही है कि मैंने भैरवी की मदद की तो आप गलत सोच रही है भावना आंटी। हैं? हाँ, मम्मी ने तो सिर्फ परोसने में मदद की थी। हाँ तो जो ये घोटाला पुत्र, परोसने का इशारा ऐसा कैसे? हाँ, परोसने को इंग्लिश में सर्व करना कहते हैं ना। हाँ तो? तो सर्व का इशारा ऐसे ही करते हैं।
सेकंड सर। वो घोटाला पुत्र, वो बैडमिंटन या टेनिस में? हाँ। तुम लोग क्या दाल को ऐसे हवा में उछल के शॉट मारते हो चम्मच से कि दाल जाए ऐसे सीधी दूसरे के मुंह में? ऐसे वो सब छोड़िए ना भावना आंटी, भैरव जी ने कमाल तो कर दिखाया है। हाँ, आपको म्युनिसिपैलिटी वाले पक्का ले जाएंगे खटारे में डाल के। क्योंकि आपका कचरा होने वाला है ना। ओ सुरपणखा के भाई कुंभकर्ण, गेम की नींद से जाग जा, क्योंकि दूसरा काम बहुत मुश्किल वाला देने वाले हम चकुड़ी को, जिसमें वो मुंह के बल गिरेगी। मुंह के बल। मितेश, प्रीतेश के पापा, ये देखिए। प्रीतेश को दिखाना, बड़ी मुश्किल से आग लगी। आपकी मुश्किल से आग खुलती है पापा, ऐसा बोलिए। चुप रे वाइडा, वरना लाफो मरवाऊंगा एक मितेश के हाथों। ओहो हो, बेटे को सजा भी किसी और के हाथों दिलवाएंगे। छोड़ो, क्या दिखाइए तो मम्मी, दिखाइए। देखना प्रीतेश, किसी होटल चाइना मसाला का बिल है और इत्तेफाक देख प्रीतेश, मैंने कल पार्टी में जो जो चीजें सर्व की थी ना, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है। एक मिनट, कहीं मेरे बनाए हुए खाने का बिल तो नहीं है? नहीं नहीं, कहीं मेरा बनाया हुआ खाना मैंने होटल से तो नहीं मंगाया था? कैसे, अगर आपने होटल से खाना मंगवाया होता तो आपको तो पता होता ना। हाँ। और मेरा बनाया हुआ खाना तो थोड़ा बेहतर था, दही वाले नूडल, स्वीट कॉर्न सूप की कड़ी और मेथी पापड़ का मंचूरियन। लेकिन फिर ये बिल, अरे हाँ, ये तो मैंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाया है मम्मी, है ना पापा? स्कूल का प्रोजेक्ट? हाँ भैरू, ये क्या है, लाओ ये, लाओ लाओ यहाँ। इनकी स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है, बचत करने के अलग अलग तरीके हैं। अब ये देख, ये अगर खाना तू होटल से मंगवाती तो कितना खर्चा होता? 3200। लेकिन ये सारा खाना तूने घर पे बनाया तो हुई ना 3200 की बचत, है? तो बराबर। मैं तो डर गई थी कि कहीं मैंने होटल से तो नहीं मंगवाया था। तेरी किटे था था। अच्छा मितेश प्रीतेश, कल तुम लोग स्विमिंग पूल जाओगे तो ये चड्डी पहनोगे या ये ग्लासेस? इतना सोच क्या रहे हो? बता ना, ये कि ये? अच्छा, मतलब खाना बाहर से ऑर्डर किया गया था। किसने किया, किसने होगा ऑर्डर? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, पता करना पड़ेगा। हाँ बा, ओहो, ख्यालों में हाँ बाबा कहाँ से आएगा भद्रेश? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.